बच्चे देश के भविष्य हैं और उनका चहुमुखी विकास होना बहुत जरूरी है। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी आगे रहे, क्योंकि पढ़ाई के साथ खेल कूद से बच्चों का शारीरिक विकास होता है। बच्चों की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए मुंबई के अंधेरी इलाके में एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अंधेरी फुटबॉल अकादमी के 15 साल पूरे होने पर अकादमी द्वारा आयोजित एक दिवसीय टूर्नामेंट में कई टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 4 टीमों के लिए पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया, तो वहीं बच्चों के साथ उनके माता पिता को भी पुरस्कृत किया गया। बच्चों के इस फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में बच्चों के हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। जहां देश में सरकार द्वारा खेलो इंडिया जैसे अभियान पर जोर दिया जा रहा है, वहीं मुंबई के अंधेरी में स्थित अंधेरी फुटबॉल अकादमी द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए लुत्फकर रहमान, हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश समेत बॉलीवुड कलाकार अली खान, कॉमेडियन सुनील पाल और मुंबई पुलिस के अधिकारी सुशील जाधव जैसे लोगों ने शिरकत की और इस मौके पर बच्चों और पेरेंट्स को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। I am privileged and honored to be here in the award giving ceremony of Andheri Football Academy here. I was told that you have a good number of teams here of different ages of the boys and girls, including the moms also. Played here. I have been lucky to watch 2 matches between the boys and the moms. And I am impressed. Football is one of my favorite sport, actually. So I enjoyed it. Actually, 2 साल बाद बच्चा लोग मिला, तो बच्चा लोग भी enjoy किया, हम लोग भी enjoy किया. So ये हमारा preparation है. नेक्स्ट दिसंबर में हमारा अवार्ड फंक्शन आने वाला है, वो बीच का प्रोग्राम, तो ये प्रिपरेशन है। तो जो भी आप लोग सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा, सक्सेस हुआ प्रोग्राम। सर क्या तैयारी है अभी आगे की? आगे की तैयारी, हमारा 2 लड़का अभी जर्मनी के लिए सिलेक्ट हो गया, तो वो लोग जाएगा, तो उसका तैयारी है। और फिर टूर्नामेंट भी है, उसका भी कुछ तैयारी है। लॉकडाउन में किस तरीके से बच्चों का प्रैक्टिस? लॉकडाउन में तो प्रैक्टिस कुछ नहीं हुआ, लास्ट 3 मंथ से प्रैक्टिस हमारा चालू हो गया। ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं? ऑनलाइन में फुटबॉल नहीं होता है, जो लोग बोलते हैं, क्योंकि फुटबॉल घर पे मुंबई में छोटा छोटा घर है, ऑनलाइन में कैसे प्रैक्टिस करेगा, सब तोड़ तोड़ डालेगा, तो ये इम्पॉसिबल है। जस्ट एक्सरसाइज वगैरह ये हो सकता है, बट फुटबॉल नहीं हो सकता है ऑनलाइन में। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में? मेहनत करना पड़ेगा, सब लोग मेहनत करेगा और भी अच्छा कुछ हम लोग करेंगे, आगे जाएगा बच्चा लोग। देखना चाहता हूँ इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे बच्चा लोग जाएगा। थोड़ा उनको इनकरेज करने के लिए मॉम्स लोग जालबर ग्राउंड में आता है, वो लोग भी इंटरेस्टेड है, इसलिए ट्राई किया। सबसे पहले सभी देशवासियों को और अंधेरी के सब रहवासियों को गणपति विसर्जन और गणपति बप्पा के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ये मेला सेन लास्ट 15 ईयर से जो ये बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, वो एक उल्लेखनीय है और बहुत ही मोटिवेशन मोटिवेटिव है। मैं जानता हूँ वो इंडिया के लिए कोच भी थे फुटबॉल के, उसके बाद में अंडर 90 के लिए भी उन्हें बहुत सारा काम किया है। लास्ट 19 ईयर्स से वो ये काम कर रहे हैं और अंडर 90 के बच्चों के लिए फिलहाल में अभी वो ये कर रहे, कोचिंग कर रहे हैं। तो ये अपने छोटे बच्चों के लिए और अपने यूथ के लिए एक अच्छा है, स्पोर्ट्स के लिए अच्छे मोटिवेटेड कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत क्या इम्प्रूविंग चीज़ है कि स्पोर्ट्स के बच्चे आगे आएंगे, अपना देश का भविष्य और उसका विकास हो जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए और सभी देशवासियों के लिए। हालांकि जिनके माँ बाप बच्चे और पेरेंट्स इनमें जुड़ चुके हैं, तो उनको भी बधाई देता हूँ। सब आज का ये प्रोग्राम में बहुत दिनों से चल रहा है, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, फिर भी सब पेरेंट्स, सब कोच और बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ के लोग इस तरह के प्रोग्राम को मैनेज करते हैं और यहाँ तक उनका ये लाते हैं, इंजाम लाते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए, पॉजिटिव चीज़ है। तो इसको
फुटबॉल एक टीम वर्क है सर, वो टीम वर्क हर फील्ड में काम आता है और हम सब ने वो टीम वर्क करना चाहिए ताकि वो अच्छे उसका मुकाम आ जाए और अच्छा उसका रिजल्ट भी आ जाए। विदाउट एनीबडी वन पर्सन कैनॉट डू, तो इट इज़ अ टीम वर्क, सो इट इज़ अ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल द पीपल्स एंड ऑल द बॉयज ऑल्सो। इट इज़ अ नाइस लेसन फ्रॉम द फुटबॉल टीम्स एंड आवर प्लेइंग्स। होती है सर, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो एक्चुअली एक टीम वर्क है। कोई फ्रंट लाइन में रहता है, कोई लेफ्ट विंग में रहता है, कोई राइट विंग में रहता है, कोई फ्रंट लाइन में काम कर देता है, कोई बैकअप में काम कर देता है। वी आर अचीविंग द गोल्स, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल द पीपल्स। और बॉम्बे पुलिस ये हमेशा करती आई है और ये आज भी मैंने ये कर रहा हूँ कि मैं काम करके भी और ड्यूटी करके भी ये थोड़ा सा वक्त इसके लिए निकल रहा हूँ कि इसमें कोई अच्छी चीज़ बन रही है। हालांकि मैं खुद प्लेयर हूँ, एक नेशनल प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर में मैंने पार्टिसिपेट किया है, मेरे बच्चे भी इंटरनेशनल है, तो मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण देता है कि आज के बच्चों के लिए इंस्पायर और उनके साथ में अपना सहयोग निभा दूँ। और खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे नहीं होगे खराब, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में इस बार 7 गोल्डन सिल्वर मेडल गोल्डन मेडल जो भी आए, गोल्डन मेडल है ना, गोल्ड मेडल है, 7 गोल्ड मेडल ना, तो ऐसा लगता है कि हमारा देश का भविष्य जो है गोल्डन होने वाला है, खासकर स्पोर्ट्स के मामले में तो ही होने वाला है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री खुद अपने नाम पे जब स्टेडियम बनाने लगे तो समझो देश में खेल के प्रति कितना तवज्जो दिया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है और इस चीज़ के लिए इस पूरे स्पोर्ट्स क्लब की पूरी टीम को मेरी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, यही तहे दिल से दुआ करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, स्प्राउट्स न्यूज़।